अच्छा मैं थोड़ा पार्टी वेयर लिया था। क्यों हंस रहा है? पार्टी वेयर, पार्टी वेयर अगर तुम दुकान में खरीदने जाओगे तो यही बोलते मैम ये पार्टी वेयर है। ये है अम्मा एक उल्टा है सब बिरयानी वाला आ गया बिरयानी लेके प्लेट भी धोके जाना। तो अपने होटल में अपने समझ के खा सकते हो तो अपना समझ के सारी प्लेट उठा के धो के टेबल साफ करना। ज्यादा ग्राहक आ गए हम सबको काम करना पड़ेगा। प्याज व्याज देंगे और क्या प्याज नींबू हमारी जिम्मेदारी। चलिए आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी? मैं काउंटर पैसा काटूंगा। चला फिरी का जो भी कह दोगी अभी प्याज नींबू काट के देगी बेटी का वेटर बनेगी। काम लाल कपड़ा लेके यहाँ पड़े मैं क्या करूँगी? अच्छे से खाना। चलो खाते भैया बहुत भूख लगी है। बिरयानी फ्रेंड्स ये है मेरी कानपुर वाली बिरयानी। मैं कह रहा हूँ बहुत दिन के बाद तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाने को मिलेगी यार। जी मुझे तो अच्छी लगे। नमक कम है? हाँ मैं रायता नहीं खाती ना, बाकी लोग को तो अच्छे लगे। रेहान को भी नमक कम लगा, बाकी ठीक है। चूड़ियाँ देख रही है। फ्रेंड्स सिर्फ खाना बनाने तक ही काम नहीं होता, खा लेने के बाद ये जो बचा हुआ खाना है उसे ऐसे बर्तन में रखना जिसमें वो फ्रिज में फिट हो जाए, वो भी एक बड़ा काम होता है। ये सब लोग समझते होंगे, हर एक के घर में होता है। अल्लाह दो चक्कर कर लो, चलते होंगे। फाइनली हमारा जो 2-in-1 वाला रूम था वो रेडी हो गया है। हमने जिम रूम भी बनाया है और नमाज रूम भी बनाया है। आइए यहाँ से एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आ गया है ऐसे हमारा ट्रीटमेंट रूम। बहुत गंदा भी हो चुका था, फिर पेंट कराते तो बहुत ज्यादा और काम पड़ता, तो हमने कहा वॉलपेपर अच्छा ऑप्शन है, ऐसा वॉलपेपर लगाते हैं बेसिक सा जो दोनों साइड अच्छा लगे। यहाँ पे हमने सेम डिजाइन का लाइट वाला कलर यूज किया है और उसका ही हमने ये वॉल को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे ये कलर यूज किया है। ये पूरे रूम को ना हम एकदम थोड़ा पीसफुल बनाना चाहते थे ताकि अगर हम वॉक भी करें तो भी थोड़ा सिंपल रहे, और नमाज के लिए तो पीसफुल कलर्स और पीसफुल माहौल बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरी ऐसी थिंकिंग है। लाइट थी वो हमने यहाँ पे लगा लिया। जो ये वाला गिलास है ना हमारे पुराने वाले रूम में था तो उसको हमने कटिंग करवा के यहाँ लगवा दिया है। जब भी आप वॉक करते हैं तो खुद को देखते हैं तो और आपको अच्छा लगता है, तभी जिम में भी मिरर्स लगे होते हैं। अब आपको दिखाते हैं हमारा नमाज का। अभी ये लोग भी आ गए नीचे से। अच्छा लग रहा है सालू, पढ़ने के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स। इस चीज की पार्टीशन है तो आर पार भी दिख रहा है, बहुत बंद बंद भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे हमने लाइट्स लगा दी और ये बीच में यहाँ पे प्लाई थी, यहाँ पे लगी वॉल पेपर बहुत अच्छी लग लाइट ना। और यहाँ पे हमने खुशबू के लिए बैनर लगा, ये तुम्हारा सबसे अच्छा लग रहा है, मन लगेगा पढ़ने में। हाँ और ये पूरा चिपका दिया है कारपेट। यहाँ पे वॉल पेपर सिंपल लगाया, वॉल पेपर ये भी वॉल पेपर है, उम्मीद है ये भी वॉल पेपर है। और ऐसा नहीं सब यही कहते हैं कि नमाज की कोई एक जगह नहीं होती, घर में हर जगह नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे फ्लैट जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वहाँ बेड के पास ही वॉशरूम, बेड के पास ही कोई भी खड़ा हो रहा है। कुरान शरीफ जो रखने की जगह है ये सेपरेट होनी चाहिए। गिफ्ट में दिया था किसी ने ये खाने का, इसमें लिखा अस्सलाम वालेकुम, सबसे सलाम नहीं किया करेंगे। अच्छा लग रहा है, पूरे घर के रवनक नमाज में। वीडियो को एंड करते उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, हमारे रूम अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए हम सबकी तरफ। कुछ इस तरीके से सबा इब्राहिम ने शेयर बना लिया है अपना नमाज रूम, जिसमें वो करने वाली है इस रमज़ान इबादत। और रमज़ान से पहले थोड़ा बहुत जो घर का डेकोरेशन होता है वो भी सारी चीज़ें हो गई, और वो अपनी फैमिली को कितनी हैप्पीली हर चीज़ दिखा रही थी।